अरविंद सावंत जी प्लीज. आदरणीय चेयरमैन सर धन्यवाद. आदरणीय वित्त मंत्री जी निर्मला जी, उन्होंने बजट जब रखा और उस बजट में 75 साल में हम आज मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो मैंने सोचा अमृत महोत्सव है तो बजट के ऊपर ध्यान दे रहा था, मुझे लगा अमृत कुंभ आएगा, अमृत कुंभ में अमृत आएगा, लेकिन अमृत कुंभ खाली रहा, न पानी रहा न अमृत रहा. जहर नहीं बोलूंगा मैं, इतना बुरा तो मैं नहीं हूं कि कभी कभी अच्छों को भी बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, तो हम उनमें से बुरा नहीं करेंगे, जो अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, जो जो मुझे हमें जो लगता है नहीं जचती है बात उसको कहूंगा. आपने उसमें फ्यूचरिस्टिक सारा सपना दिखाया है, वो सपने बहुत बड़े हैं और 100 साल में क्या होगा पता नहीं, हम जिएंगे कि नहीं मालूम नहीं हमें, उस हमारे तो पता ही नहीं होगा. लेकिन एक बात ठीक है, एक नींव डालने का विचार आया, अच्छी बात है, लेकिन आज हम हर एक समाज का हर एक घटक हर एक व्यक्ति क्या सोचता है, आज कैसे मैं जीऊं, पता नहीं था कितनी प्रगति हुई. मुझे लगता है इस पिछले 10-15 वर्षों में हमने कभी, उसके पहले रेडियो ट्रांजिस्टर, आगे टेप रिकॉर्डर आएगा, स्कूल से फिर ये आ गया, कैसेट आ गई, सीडी आई, यहाँ टीवी आ गया, फिर चैनल आ गए, फिर अभी दूरदर्शन आ गया, दुनिया भर की बातें आई, फिर कंप्यूटराइजेशन वहाँ आया, बिल गेट्स आ गया, हंसते हंसते हमारे हाथ में मोबाइल आया, मोबाइल से हम स्मार्टफोन तक गए, कितने शॉर्ट पीरियड में सारी जीऊंगा, इसका लोगों के मन में शंका है और भ्रम पैदा करना ये कोई अच्छी बात नहीं. मुझे नहीं लगा कि इसमें से कोई अच्छी बात सामने आ रही है क्या. हमने गरीबों की बात की, उसको सक्षम करने की बात की, सशक्त करने की बात की. अभी हमारे मित्र बोल रहे थे कि हमने उनको घर, पक्का घर देने का वादा किया, घर बिजली पानी रसोई गैस सब कुछ देना है, बहुत अच्छी बात है और किया भी है, मैं ना नहीं कहूंगा, मैं इसलिए बोला किया भी है ना, कुछ कहूंगा वो बात छोड़, दूसरों की बात नहीं कर रहा, दूसरे बुरे कह के हम अच्छे नहीं होते, दूसरों को बुरा कह के हम अच्छे नहीं होते. मैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के सभी को एक बात कहूंगा, आप आदरणीय अटल बिहारी जी का एक वाक्य है, वो अपने अपने कमरे में लगाओ, छोटे मन से आदमी बड़ा नहीं होता. आपने पढ़ा? हमने पढ़ा नहीं, हम विचार उसी विचारधारा से चलते हैं और आज भी हमारे लिए आदरणीय, इतना ध्यान में रखना. 60 लाख नई नौकरियों का भी बात की, अभी ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जब बात आती है मुझे अच्छा लगता है. आपने कहा 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, 80 लाख घर बनाएंगे. सर अगर 80 लाख को 48,000 करोड़ को अगर 80 लाख से अगर डिवीजन करोगे तो एक घर के लिए 60,000 रुपये आता है. 60,000 रुपये में इतना सारा आने वाला कैसे आएगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने उस वक्त शहर की भी बात की, इस बार वो स्वागत करता हूँ शहर की बात की, गांव के साथ में शहर की बात की, 60,000 में घर बना के बताओ शहर में कैसे बनेगा हमें पता नहीं, आप जरा समझाएंगे तो अच्छा होगा. अब ये 60 लाख नई नौकरियों की बात आई, मुझे मैं ट्रेड यूनियन में आप जैसे हूं थोड़ा बहुत दर्द है सर, बहुत दर्द है. मैं दो उदाहरण लूंगा, एक उदाहरण है अभी अभी आपने एयर इंडिया की बात की, एविएशन की बात की, अब एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा कोरोना काल में संक्रमित हुई. अब नौकरियां लाने की बात छोड़ो, कितनी नौकरियां गई वो भी तो बताओ, कभी कितनी नौकरियां गई. सर आज भी मैं थोड़ा ट्रेड यूनियन का काम करता हूँ, मेरे पास रोज मालिक लोगों की एक रिक्वेस्ट आती रहती है, भैया एक काम करो 29% तनख्वाह कम ले लो या तो लोगों को निकाल डालो. हमने क्या बनाया क्या है मैडम निर्मला जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना है कभी देख कर वो लेबर लॉ जो बनाया ना वो इतने गंदे है, कैजुअल लेबर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, बॉन्डेड लेबर और पीरियड वाला 2 बरस का, ये ऐसे 4 बताए हुए हैं, कोई भी परमानेंट नहीं होता, मालिक किसी को परमानेंट करता ही नहीं है. अब वो ऐसी स्थिति भी ये लोग जी रहे हैं जिनकी नौकरियां इस कोरोना काल में गई,
सोचा कभी उनका क्या हो रहा है? कल करोना में जो लोग शहर छोड़कर गए, गांव छोड़कर गए, उसके ऊपर आज मैं नहीं आता हूं, लेकिन कितनी नौकरियां गई, 3 करोड़ की बात करती, 3 करोड़ से भी ज्यादा गई। इस लेबर लॉज ने उनको तो रस्ते पर लाया, उनकी जिंदगी हराम कर दी है। सर आप विश्वास नहीं करेंगे, मालिक 10-10 बरस नौकरी पे है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं दिया है। ही इज कमिंग ऑन ड्यूटी फॉर 10 ईयर्स। 10 बरस के बाद में ट्रेड यूनियन ने कहा इसको परमानेंट करो। मैंने उससे पूछा तेरा अपॉइंटमेंट लेटर किधर है? नहीं है सर, ऐसे ही आ रहा हूं। क्यों नहीं कर रहे? ये यूनियन करेगा। स्पाइस जेट कंपनी, बॉन्ड लेबर थे, बॉन्डेड थे, 31 दिसंबर उनका बॉन्ड खत्म हुआ, न्यू ईयर की गिफ्ट। कल से 463 लोगों को नौकरी से हटा दिया, नौकरियां दे रहे हम 60 लाख। पूछा स्पाइस जेट को अपने, कैसे निकाला उनको? बॉन्ड खत्म हुआ, कानून है ना भैया, तुमने प्रावधान किया है, बॉन्ड खत्म हो गया, निकल दिया, अब नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? ये यूनियन बनाते हैं, संविधानिक हक है हमें, हमारा संविधानिक हक भी छीना जा रहा है, संविधानिक हक छीना जा रहा है। आपको आपको बुरा लगना चाहिए, संविधानिक हक छीना जा रहा है। और ऐसी स्थिति में हम लोग कह रहे हैं 60 लाख कर्मचारियों को रोजगार देने की बात करते हो, उस 60 लाख लोगों की बात क्या है? अब कल को जब वो वापस जाएंगे, आप सोचिए ऐसे टेम्पररी जिंदगी जिएंगे, रिटायर्ड होने के बाद क्या होगा? 60 बरस के बाद में क्या मिलने वाला है? ईपीएफ पेंशन 1,500 रुपया। पूरे इस वित्त मंत्री की इस अर्थ संकल्प में कहीं भी बुजुर्गों का ध्यान नहीं है। 60 बरस के बाद में वो जिएगा कैसे, जब स्वास्थ्य की ज्यादा आवश्यकता होती है, नहीं मिलता उसे कुछ स्वास्थ्य का से, स्वास्थ्य सेवा के बारे में। आपने अच्छी बातें कुछ की है, प्रधानमंत्री बीमा योजना निकाली है और कुछ चीजें की है, नया नहीं कहूंगा, जो है वो है, लेकिन इनका कभी सोचा है 1,500 में कैसे जिएगा वो जिंदगी भर? परमंड हमारी माजगांव डॉक जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, उसमें भी टाइम पीरियड के 2 बरस की नौकरियां दी जाती है। अब ऐसे दो दो बरस 10-10 बरस में परमानेंट नहीं करोगे? क्यों नहीं परमानेंट करते? कैसे जिंदगी जिएंगे? आपने कभी सोचा है कितने लोगों का रोजगार गया? आदरणीय चेयरमैन साहब, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के बारे में जब आप कहते हो ना, आपने अभी मैंने एयर इंडिया की बात की, वहां हमने अच्छा हुआ, बुरा देर आए दुरुस्त आए, सरकार ने चलाती थी चलो टाटा ने ले लिया, लेकिन आपको पता है एयर इंडिया का अपना मुंबई का एयरपोर्ट अदानी ने लिया, अब अदानी ने मुंबई एयरपोर्ट लिया, एयर इंडिया की कॉलोनी में कॉलोनी के लोगों को नोटिस दी देगी खाली करो घर। आपको पता है आप पक्के घरों का वादा कर रहे हो, वहां लोगों को घर से निकाल रहे हैं, हम घर से निकाल रहे हैं लोगों को, घर से निकाल रहे हैं हम लोगों को। आपको नहीं पता है अदानी ने नोटिस दी पूरे कॉलोनी के लोगों को दी थी, एयर इंडिया की कॉलोनी। अरे प्राइवेट की बात क्या करते हो, फिर टाटा को देना था? घर से निकालोगे क्या? घर से निकालोगे? अरविंद जी जिंदगी गई घर में, वहाँ घर से निकाल रहे हैं। घर से निकालने की बात आई, LIC की बात कर रहे हैं आप लोग, LIC के बारे में आप कह रहे हैं सार्वजनिक निगम के, अब LIC को हम LIC IRDA सर इंश्योरेंस रेगुलेशन जो अथॉरिटी है उसका चेयरमैन नहीं है, पिछले 9 महीने नो चेयरमैन फॉर LIC। और जो LIC कंपनी और हमारी दूसरी GIC और न्यू इंडिया इंश्योरेंस, एक उनकी रेटिंग एक ए रेटिंग थी, वो ए रेटिंग वाली कंपनी गई डब्बे में, दोनों भी निगेटिव में आ गए, और इंश्योरेंस कंपनी एंड न्यू इंश्योरेंस कंपनी के लोग जो हमारे बिजनेस मैन है, उनकी उनकी जो देने वाली रकम है उनको अदा नहीं कर रहे, इसके लिए उनका बिजनेस भी डाउन हो जाएगा, कल को सारी कॉर्पोरेशन एयर इंडिया के रस्ते पे जाएगी। नाउ इट इज द टाइम टू कंक्लूड प्लीज। बाप रे अभी तो दो घड़ी घड़ी देख कर 10 मिनट लिया, जिनके साथ 6-7 मिनट हुए। कौन बोलने वाला अभी बताओ ना प्लीज, इतने बनने एक दो नहीं होगा सर, फिर मैं इधर ही बैठता हूँ, शिवसेना मैं प्रोटेस्ट करके बैठूंगा। नो नो प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं ना सर, कितने मिनट है? नो नो द क्वेश्चन इज या अदर मेंबर विल नॉट बी गेटिंग एन ऑपर्चुनिटी। मैं पॉइंटेड देता हूँ, पॉइंटेड लेता हूँ। आपने 5G की बात कर दी, MTNL BSNL मर रहा है, MTNL अभी वोडाफोन और आइडिया के लिए आपने उनके कर्जे के ऊपर जो ब्याज आएगा वो ब्याज अगर सरकार को देना है तो सरकार को ब्याज नहीं देना,
उसको सरकार के शेयर समझ लेना, मतलब कल को शेयर उसकी मालिक बन जाएगी, चलो ठीक है। अपनी खुद की कंपनी है ना BSNL, आपकी खुद की कंपनी है ना MTNL। 7 बरस से रविशंकर प्रसाद जी कह रहे थे, हम स्ट्रेटेजिक उसको कर रहे, आज मर गई। यहां जाओ ना मुंबई के एयरपोर्ट पे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे, मिलता है क्या देखो नेटवर्क? क्यों नहीं मिलता? कभी पूछा क्यों नहीं देते हो उनको मदद, क्यों नहीं करते हो मदद? तो ये तो आपने ही मारा ना, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा कि तुम नहीं, दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा कि तुम नहीं छूट सकते। 7 बरस तुम्हारी सत्ता है, 7 बरस में आपने एश्योरेंस दिया इस हाउस में, एश्योरेंस दिया अरविंद जी, अरविंद जी आपने इस हाउस में, अरविंद जी, अरविंद जी प्लीज बैठिए, प्लीज 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 बैठिए अरविंद जी। यस मिनिस्टर, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द हाउस, हैज बीन अ मिनिस्टर अर्लियर, आई हैव वेरी मच ऑफ अ रिगार्ड फॉर हिम, बट ऑन द BSNL आई एम सॉरी, I will have to stand up to say this. सच नहीं बोल रहे हैं सर आप। BSNL का हालात इतना खराब था, उसको 4G खरीदने का भी पैसा नहीं दिया पिछले सरकार ने, और एकदम बिना पैसा BSNL में स्टाफ का सैलरी भी देना मुश्किल था। मोदी जी आने के बाद उसमें हर एक एम्प्लॉई का इंटरेस्ट के लिए वो वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों ना हो, उनको पूरा पैसा देने का प्रावधान हमने किया। और से और 4G, नहीं प्लीज लेट्स लिसन, यू डिस्प्यूट इट इफ यू वांट, बट आई विल टेल द ट्रूथ बिकॉज आई डोंट वांट अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ दिस हाउस, अ फॉर्मर मिनिस्टर, should not give us in detail which yes, is not madam, sahi yes. na no problem madam thoda main isliye dhyan dilana chahti hu Arvind ji please mujhe I am not saying you are wrong but mislead na karna please mislead na karna 40,000 crores has 40,000 crores have been given and also for buying 4G we are giving money now when 5G ka era aa gaya क्योंकि 4G खरीदने और टू बाय 4G ऑल्सो पैसा वॉज नॉट गिवन, 2G एक्सप्लॉयटेशन हुआ जिसके कारण BSNL has lost out, और 2G में यू डिड नॉट गेट इट, 2G में यू allowed ऑल kinds ऑफ करप्शन, BSNL was bled टू डेथ ऑलमोस्ट, वी कम एंड गिव इट मनी, आई रिमेंबर गिविंग ऑलमोस्ट अबाउट 90,000 crore और समथिंग इन द अर्ली 2019 for the employees, and now for BSNL, for 4G we are giving money so that they can become at par, and after which of course they can become competent. Yes, so I want to please put the record straight for a very senior member who should know about it, cannot misread this house, yes, particularly on a very nation, and it's part of our strategic asset. The policy announced in last year's budget has kept it as a strategic asset. Let's please keep all that in mind. Okay. Please. Thank you, madam. May I conclude in 2 minutes? 2 minutes, may I conclude? Thank you, madam. But let me tell you frankly what has happened exactly. 4G equipment was to be procured by the company, and it was Chinese company. And then the government said, because some disputes arise of the China, and the government said it is Atmanirbhar, try to procure from the India. Nobody manufactures in India. You can very well check up with the minister. I have given letters on that, saying that it is not able to procure from China in India. Let them procure for somebody. It was the government who was supposed to take a decision, did not take a decision. That is the reason we did not get 4G. This is for your information and input also. Kindly check it with your... 4G is when? When did 4G come? What nonsense he is saying? Please, I am here. Later. She has every right to ask. The minister has every right to intervene in the debate. Please. She has the right to intervene. It's a good thing. I have a right to ask. You please, I am biting now. It is a good thing that the minister responds. What madam, is that? You can give it in the reply also. Sorry, sir. You can give it in the reply Chairman, also. Sir. I do not want to put anything wrong. No. I fully respect you. But one thing, 4G, some countries' equipment, and we held it back, is all after
having lost 10 full years in not giving 4G to BSNL. अभी 2019 में पूरे दुनिया 4G से होकर के 5G के ओर देख रहे हैं जी, तब आकर के हम 4G का खरीदने के बारे में बात कर रहे हैं। वो 10 साल किसका था, वो 10 साल के बारे में कौन बोलने वाले हैं? 4G आएगा मैं आपका स्वागत करूंगा। सॉरी, लेट मी जस्ट पुट दिस पॉइंट, आप जरा ये पीछे 10 साल का कहानी भी इसमें जोड़िए, ये नहीं है सिर्फ हमारी ऊपर बोलना। ये मत सोचो कि मैं इनको छोड़ रहा हूँ। अरविंद जी एक मिनट, अरविंद जी एक मिनट सर, आई कंक्लूड इन वन टू मिनट। नो वी तो वन सेकंड। सी नाउ द टाइम इज 9, इफ द हाउस एग्रीज द टाइम ऑफ द हाउस कैन बी एक्सटेंडेड टिल 10 PM फॉर फर्दर डिस्कशन ऑन द बजट। सर द हाउस एग्रीज, मैडम मे बी राइट, द हाउस इज एक्सटेंडेड अप टू 10 PM। राइटली पॉइंटेड आउट, आई कंक्लूड इन वन टू मिनट। The earlier government has not taken action. It's okay. We are 7 years. No, Aravind ji, you please address the sir. We could not improve it. That is what I wanted. My pain is that we could not improve a single inch. That is what my pain. Kindly introspect and then begin. That is what is required. Now I'll conclude, sir. One. Sir, conclude in 1 minute. One poetry song is there, yeah. Actually. So, madam, I'll just give one more suggestion. In a circular economy, you have taken certain measures which are good, but kindly include battery also in that, because the electronic buses will come. It is not a poem. It is not a poem. Which is not, which is not included. Sir, now I'll say that, sir, Maharashtra par ye sarkar anyay karti rahi. Ek do ghadi laga ke dekho. Aapne gift lekar hamara Institute of Finance Service Center leke gaye. अपने निसर्ग चक्रवाक आया, तौकते चक्रवाक आया, चक्रवाक के समय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी हवाई जहाज में आए, महाराष्ट्र ने गुजरात घूम कर गए, पैसे नहीं दिया। मराठी भाषा का अभिमान हम लोग कर रहे हैं, मराठी भाषा अभिजात भाषा का दर्जा दे, नाना शंकर शेठ जी का नाम मुंबई सेंट्रल स्टेशन को दे, श्री बेळगाव कारवार, एक सर लगेगा आपको घड़ी देखो ना सेकंड, बेळगाव कारवार निपाणी बालकी बिदर या मराठी भाषिक जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर अन्याय हो रहा है, ये सारी बातें, हमारा GST जो है 30,000 करोड़ तक का आना है अभी तक नहीं आया, कस्टम ड्यूटी में लाइफ सेविंग के लिए ड्रग के लिए आप उसको कस्टम ड्यूटी माफ, पता है लेटर लिखा था, ट्राई टू पे गेट। आखिर में सर पंक्ति गाने बोलने दो ना सर, यह बजट भ्रम पैदा करता है। एक मिनट, एक प्लीज अरविंद जी, अरविंद यू आर अगेन एड्रेसिंग द ट्रस्टी बेंचेस, यू प्लीज एड्रेस हियर एंड कंक्लूड। तो बढ़े तो सर इतनी लाइन देखो ना, इतनी लाइन है, चार लाइन, प्लीज प्लीज, आधा सेकंड भी नहीं लगा, आधा सेकंड से कंक्लूड करो प्लीज सर, प्लीज प्लीज प्लीज, एक मिनट, एक सपनों का सौदागर आया, ले लो ये सपने ले लो, तुमसे किस्मत खेल चुकी, अब तुम किस्मत से खेलो। और इसलिए हम जाते जाते इतना ही कहेंगे, जाने वो कैसे लोग थे जिनके विश्वास को विश्वास मिला, हमने तो बस कलिया मांगी, कांटों का हार मिला। धन्यवाद श्री कृष्ण श्रीनिवास जी।